शिवाजी प्रथम शिवाजी शाहजी भोसले मराठी एक भारतीय शासक और भोसले राजवंश के सदस्य थे। एक शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत से अपना स्वतंत्र राज्य बनाया जिसने मराठा संघ की उत्पत्ति का गठन किया। अपने जीवन काल में शिवाजी मुगल साम्राज्य, गोलकोंडा सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के साथ गठबंधन और शत्रुता दोनों में शामिल रहे। शिवाजी ने बीजापुर की गिरती सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब को मार्ग और अपनी सेवा की पेशकश की। उत्तराधिकार के युद्ध के कारण औरंगजेब के उत्तर की ओर प्रस्थान के बाद शिवाजी ने मुगलों के नाम पर बीजापुर द्वारा दिए गए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 963 पुरंदर के युद्ध के बाद शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के साथ अधीनता में प्रवेश किया, एक मुगल प्रमुख की भूमिका निभाई और थोड़े समय के लिए साम्राज्य की ओर से सैन्य अभियान चलाया। 10 शिवाजी के सैन्य बलों ने मराठा प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया, किलों पर कब्जा किया और उनका निर्माण किया। 1674 में स्थानीय ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद शिवाजी को राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। 987-11 महिलाओं के प्रति उनके शिष्ट व्यवहार के लिए प्रशंसित। 12 शिवाजी ने अपने प्रशासन और सशस्त्र बलों में मुसलमानों 13 और यूरोपीय लोगों सहित सभी जातियों और धर्मों के लोगों को नियुक्त किया। 14 शिवाजी की विरासत को उनकी मृत्यु के लगभग 2 शताब्दियों बाद ज्योतिराव फुले ने पुनर्जीवित किया। बाद में उन्हें बाल गंगाधर तिलक जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा महिमामंडित किया गया और हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाया गया। शिवाजी का जन्म जुन्नार के पास शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था जो अब पुणे जिले में है। विद्वान उनकी जन्मतिथि पर असहमत हैं। महाराष्ट्र सरकार 19 फरवरी को शिवाजी के जन्म शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश के रूप में सूचीबद्ध करती है। 26-27 शिवाजी का नाम स्थानीय देवता देवी शिवाय देवी के नाम पर रखा गया था। शिवाजी भोसले वंश के एक मराठा परिवार से थे। 30 शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जिन्होंने दक्कन सल्तनत की सेवा की थी। 31 उनकी माँ जीजाबाई थी जो सिंधखेड के लखुजी जाधव राव की बेटी थी जो मुगल संबद्ध सरदार थे और देवगिरी के यादव शाही परिवार से वंशज होने का दावा करते थे। 32-33 उनके दादा मालोजी 1552-1597 अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली सेनापति थे और उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सैन्य खर्चों के लिए उन्हें पुणे सुपे चाकल और इंदापुर के देशमुखी अधिकार दिए गए थे। उन्हें अपने परिवार के निवास के लिए किला शिवनेरी भी दिया गया था। 1590-3435 शिवाजी के जन्म के समय दक्कन में सत्ता 3 इस्लामी सल्तनतों के बीच साझा की गई थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और मुगल साम्राज्य। शाहजी ने अक्सर अहमदनगर के निजामशाही, बीजापुर के आदिलशाही और मुगलों के बीच अपनी वफादारी बदली, लेकिन हमेशा पुणे में अपनी जागीर और अपनी छोटी सेना को बनाए रखा। 1636 में बीजापुर की सल्तनत ने अपने दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण किया। एक सल्तनत हाल ही में मुगल साम्राज्य की एक सहायक राज्य बन गई थी। 836 इसे शाहजी द्वारा मदद मिल रही थी जो समय पश्चिमी भारत के मराठा इलाकों में एक सरदार था। शाहजी विजित प्रदेशों में जागीर भूमि के इनाम के अवसरों की तलाश कर रहे थे जिस पर कर वह वार्षिकी के रूप में एकत्र कर सकते थे। 1 शाहजी मुगल सेवा के संक्षिप्त दौर से विद्रोही थे। बीजापुर सरकार द्वारा समर्थित शाहजी के मुगलों के खिलाफ अभियान आमतौर पर असफल रहे। मुगल सेना द्वारा उनका लगातार पीछा किया गया और शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई को एक किले से दूसरे किले में जाना पड़ा। 1636 में शाहजी बीजापुर की सेवा में शामिल हुए और पूना को अनुदान के रूप में प्राप्त किया। बीजापुरी शासक आदिल शाह द्वारा बेंगलों में तैनात किए जाने के कारण शाहजी ने दादोजी कुंडदेव को पूना का प्रशासक नियुक्त किया। शिवाजी और जीजाबाई पूना में बस गए। 1647 में कुंडदेव की मृत्यु हो गई और शिवाजी ने इसका प्रशासन संभाला। उनके पहले कार्यों में से एक ने सीधे बीजापुरी सरकार को चुनौती